गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई एम कंचन सोनी फ्रॉम आदर्श फैमिली केतन। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप सब लोग? गुड आफ्टरनून, सब अच्छे हो? वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि काम किस किस बच्चे ने पूरा नहीं किया। सौम्या, आपकी भी मेरे पास एक बार भी नोटबुक नहीं आई बेटा। शौर्य, बेटा नोटबुक स्कूल में भेजो आप मेरे पास चेक करने के लिए। रितेश, आपने भी बेटा एक बार भी नोटबुक नहीं दी है मेरे को चेक करने के लिए। हाँ, जिन्होंने दे दी मैं उनके लिए बोल ही नहीं रही हूँ। मैं प्रीतिश को बोल रही हूँ, शौर्य, सौम्या, सूरज, इन सबको बोल रही हूँ। मैम, सूरज का बर्थडे है। यस बेटा, सूरज अभी आया ही नहीं है ऑनलाइन, सूरज अभी तक जुड़ा ही नहीं, उसको कैसे बर्थडे विश करें। सूरज, चलो सूरज आएगा तब उसको अपन बर्थडे विश करेंगे, ठीक है? अभी अपना बुक निकालो बेटा, चैप्टर 15। मैम, मैंने तो हाँ, चैप्टर 15 कमालपुर गांव कल पढ़ा था ना अपन ने चैप्टर। यस मैम। हाँ, आज अपन इसके शब्दार्थ करेंगे। पहले चलो पहले इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे अपन, ठीक है? नोटबुक निकालो सब बच्चे अपनी अपनी। उसमें चीजों को उनको क्या करेंगे, ये तो बोल कुछ सर मत। ठीक है, अब फर्स्ट देखो इसके अंदर पहला शब्द क्या है, चौपाल। चौपाल का क्या मतलब होता है? छायादार बड़ा चबूतरा बैठक जहां गांव के लोग पंचायत करते हैं, ठीक है? इसका होगा छायादार बड़ा चबूतरा। बैठक जहां 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 गांव गांव के लोग पंचायत करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टू नंबर, एकत्रित। एकत्रित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा होना, एक जगह सभी का जमा होना, इकट्ठा। फिर है थर्ड नंबर पे कीचड़। कीचड़ का क्या हो जाएगा? गिली। दलदल मिट्टी। चलचल मिट्टी, चलचल मिट्टी, दलदल या गारा। दलदल गारा। नेक्स्ट है फोर नंबर, कुदाल। कुदाल का क्या मतलब होता है? खोदने का औजार। खोदने का एक यंत्र। फिर नेक्स्ट है फाइव नंबर पे, पाट देना या ढक देना। पाट दिया मतलब ढक दिया। ढक दिया। सिद्धार्थ।
ठीक है, ये हो गए हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ सभी। देखो पहला क्या है, चौपाल। चौपाल का क्या मतलब होता है, छायादार बड़ा चबूतरा या बैठक जहाँ गांव के लोग पंचायत करते हैं। फिर नेक्स्ट है एकत्रित यानी एक जगह इकट्ठा होना। फिर नेक्स्ट है कीचड़, इसका क्या होगा, गीली दलदल मिट्टी या गारा। फिर है कुदाल, खोदने का एक यंत्र। पाट दिया, ढक दिया। ठीक है, ये हो गए हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब नेक्स्ट है इस चैप्टर का बुकवर्क। बुकवर्क में सबसे पहले हम करेंगे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। पहला देखो, बुक निकालो बेटा, पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 मिट्टी मिट्टी मिट्टी। पेज नंबर 57 शब्दार्थ करवाया था, अब मैम ने टिकटॉक करा करवाई। देखो पहला है इसमें शुद्ध शब्द क्या, कौन सा है इसमें से, मिट्टी फिर मिट्टी फिर मिट्टी। तो इसमें से जो देखो जो सही शब्द है उस पे हमें टिक लगाना है। तो इसमें जो फर्स्ट नंबर पे दिया हुआ है ना, ये वाला जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिख रही हूँ मैं फर्स्ट, देखो ये लिखा हुआ है मिट्टी। मैम यस बेटा, ये जो आपने करवाया ना ये शब्दार्थ, इनकी पिक सेंड कर देना। कौन बोल रहे है? मैम प्रतीक। ठीक है बेटा कर दूंगी। शौर्य, शौर्य आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। शौर्य आपकी नोटबुक कहाँ है, आपने अभी तक मेरे से नोटबुक चेक नहीं करवाई। शौर्य गिव मी द आंसर। शौर्य आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा? आ रही है लेकिन जवाब नहीं है बोलने के टाइम पे। शौर्य जवाब दो बेटा मुझे, आपकी नोटबुक कहाँ है? 3 हफ्ते हो गए बेटा क्लास लेते हुए, बेटा आपकी नोटबुक कहाँ है? क्लास में तो आप सबसे पहले नोटबुक चेक करवाने लाते हो। सोमा वेयर इज योर नोटबुक? सोम्या वेयर इज योर नोटबुक? गिव मी द आंसर। पापा के साथ भिजवा दूंगी। कब? कल मंडे को। कल संडे है, मंडे को सब नोटबुक भिजवा देना। और शौर्य आप मैडम को कब भेजेगा, कब करेगा? मंडे। मंडे को भिजवा दोगे आप मुझे नोटबुक? यस मैम। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके चलो, तो अब देखो नेक्स्ट है फर्स्ट टिक द ऑप्शन में मिट्टी, जहां पे ये लिखा हुआ है उसके सामने टिक, उसके पहले, इससे पहले जो बॉक्स बना हुआ है उसमें टिक करना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन अपना, स्कूल जाने का रास्ता भरा था किस चीज से, कीचड़ से, कांटों से या जल से, बताओ किस चीज से भरा हुआ था? कीचड़। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर में क्या आएगा? कीचड़। जहां पे ये लिखा हुआ है कीचड़, उससे पहले जो बॉक्स बना है उसमें टिक करना है आपको। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बच्चों ने गांव में निकाली, क्या निकाली थी बच्चों ने गांव में, रैली, प्रभात फेरी या रणभेरी? थर्ड वाली में क्या आएगा? प्रभात फेरी। प्रभात फेरी। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखो क्या है, कोस्ट पहला क्वेश्चन दिया है, बच्चों के हाथों में तख्तियां और क्या था? उतने। यस
नेक्स्ट क्या आएगा अपना यहाँ पे? कुदाले। यस, फर्स्ट में आएगा कुदाले, ठीक है, दिख रहा है ना सबको? अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, यह सुनकर सब बच्चे क्या किए, हंसे या रोए? हंसे। हाँ, तो इसमें क्या आएगा? हंसे। सेकंड में क्या आएगा? बस हंसे। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट है, यह गंदगी दूर हो जाए तो कितना क्या आएगा इसमें? यस, नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या आएगा? अच्छा, अच्छा, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, स्कूल जाने का रास्ता भी किससे भरा था? टीचर से। वेरी गुड। अब बेटा एक चीज और है, आप लोग बुक में और नोटबुक में ये काम तो कर रहे हो सारे बच्चे, लेकिन आप इसको याद भी करो बेटा, क्योंकि अब एग्जाम होगी आप लोगों की, तो लिख कैसे पाओगे अगर याद नहीं करोगे तो? इसलिए जो मैं आप लोगों को रोज करवा रही हूँ वो रोज का रोज ही याद कर लो आप लोग, ठीक है? ठीक है ना बेटा? नेक्स्ट देखो, सही मिलान करो। अब नेक्स्ट देखो दिया हुआ है, सही मिलान करो। तो करते बच्चे ने, बच्चों ने गांव में फेरी निकाली, उन्होंने फावड़ों से टीचर हटाया। बच्चे खेलना चाहते थे। देखो नेक्स्ट है, सही मिलान करो। हमें ही कुछ करना चाहिए, मिलान करो। अब इसमें फर्स्ट नंबर है अ और ये ब, इसमें है देखो बच्चों ने, उन्होंने, फिर है थ्री नंबर पे बच्चे, लास्ट है फोर नंबर पे हमें ही, इधर है खेलना चाहते हैं, चाहते थे, फिर है सेकंड नंबर पे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, फिर है गांव में फेरी निकालनी, फेरी निकाली बच्चों ने। हाँ, फिर है लास्ट है फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया, से कीचड़ हटाना शुरू किया। अब देखो हमें इसको मिलाना है, तो इसमें क्या है, बच्चों ने क्या किया, गांव में फेरी निकाली, फर्स्ट वाले को मिलाना है थर्ड नंबर से, ठीक है? फिर सेकंड नंबर देखो, उन्होंने फावड़ों से कीचड़ हटाना शुरू किया, तो सेकंड नंबर को मिलाना है फोर्थ नंबर से, फिर लास्ट है ये थर्ड नंबर है उसको हम मिलाएंगे फर्स्ट नंबर से, खेलना चाहते थे, फिर क्या, हमें ही कुछ
करना चाहिए। लास्ट फोर्थ नंबर को मिलाना है टू नंबर से, ठीक है। अब आप इसको मिलाओ फटाफट, देखो बोर्ड पे से। मैम आई हैव डन। बच्चों ने गांव में फेरी निकाली, उन्होंने फावड़ों से कीचड़। ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज करें फिर अपन इसकी। अब यस मैम। पेज नंबर निकालो 58, पेज नंबर 58 निकालो बेटा। ओके मैम। बेटा सब बच्चे अपनी नोटबुक के साथ साथ बुक भी लेके आना चेक करवाने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो इसमें क्या दिया है, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो देखो फर्स्ट आपका क्या लिखा हुआ है, यहाँ आपको लिखना है विलोम शब्द। व्याकरण बोर्ड में एक्सरसाइज नंबर क, इसमें आएगा फर्स्ट में भरा लिखा हुआ है, तो भरा का क्या हो जाएगा, खाली, ठीक है। फिर दिया है आपके भरा के नीचे दिया हुआ है दो नंबर पे गंदा, गंदा का क्या हो जाएगा, गंदा का क्या होगा, साफ, वेरी गुड। इसके नीचे क्या दिया है, रुकना, रुकना का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलना। फिर नेक्स्ट है फोर्थ नंबर प्रातः है, प्रातः यानी क्या होता है, सुबह, तो सुबह का क्या हो जाएगा, क्या होगा सुबह का, शाम, ठीक है। फाइव नंबर है सुंदर का क्या हो जाएगा, बदसूरत। फिर नेक्स्ट है सिक्स्थ नंबर पे क्या दिया है, आना का क्या हो जाएगा, बताओ कौन बताएगा, जाना। यस, आना का जाना, वेरी गुड। ये हो गए हमारे इस चैप्टर के विलोम शब्द, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है हमारी, इन शब्दों को जोड़कर नया शब्द। क्लियर नजर नहीं आ रहा है, क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा मैडम, अब दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, नेक्स्ट एक्सरसाइज करें बेटा। चलो कमालपुर, फोटो नहीं आ रही किसकी बेटा, किसकी नहीं आ रही फोटो, मैं नहीं दिख रही क्या आप लोगों को, नो। अब देखो इन शब्दों को जोड़कर नया शब्द बनाना है, तो देखो दो शब्द दिए हुए हैं हमें, पहला है कमाल प्लस पुर, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जोड़ के बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, कमालपुर। यस, कमालपुर। फिर नेक्स्ट है टू नंबर पे क्या दिया हुआ है, ना, ना प्लस ली, तो ये क्या हो जाएगा, नाली, नाली, नाली। फिर नेक्स्ट है थ्री नंबर पे आ प्लस राम, तो क्या हो जाएगा, आराम, आराम। फिर नेक्स्ट है फोर नंबर कीचड़, तो क्या हो जाएगा, ये कीचड़,
फटाफट फटाफट करें सभी बच्चे। फाइव नंबर पे देखो, देख प्लस कर, तो क्या बन जाएगा इसका, क्या बनेगा? देख कर, देख कर, हाँ देख कर। फिर नेक्स्ट है सिक्स नंबर पे, खेल प्लस ना, तो ये क्या हो जाएगा? खेलना। यस, खेलना, वेरी गुड बेटा। एक्सरसाइज भी हो गई हमारी यहाँ पे कंप्लीट। देखो, कमाल प्लस पुर तो क्या बन गया? कमालपुर। ना प्लस ली, नाली। आ प्लस राम, आराम। की प्लस चढ़, कीचड़। देख प्लस कर, देख कर। खेल प्लस ना, खेलना। ये हो गया। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इन शब्दों को शुद्ध करके लिखो। इसमें हमें अशुद्ध शब्द दिए हुए हैं, उन्हें हमें शुद्ध करके लिखना है, ठीक है? इकट्ठा, इकट्ठा, इकट्ठा। अब देखो इकट्ठा लिखा हुआ है, उसको हमें शुद्ध करके लिखना है। उसमें देखना है कि गलती कहाँ पे है। तो देखो फर्स्ट नंबर पे है ई क, फिर ट के नीचे यहाँ हलंत लगेगा और फिर ठा, इकट्ठा। ये है शुद्ध शब्द, ठीक है? फिर इसके बाद में है हस, हस लिखा हुआ है तो उसमें क्या आ जाएगा? ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, तो ये हो जाएगा शुद्ध शब्द हस। थ्री नंबर है परी, तो इसमें र पे छोटी ई की मात्रा लगी है, लेकिन शुद्ध शब्द में क्या हो जाएगा? र पे बड़ी ई की मात्रा लग के ये शुद्ध शब्द बनेगा परी। फोर्थ नंबर है तख्तियां, इसमें ख को पूरा लिखा हुआ है जबकि ख आएगा आधा और उसके ऊपर ऐसे, ताकि जो छोटी ई की मात्रा है वो इस तरीके से लिखी जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा? तख्तियां। फाइव नंबर है मिट्टी, मिट्टी कैसे लिखेंगे? मा पे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, फिर ट, इसके नीचे हलंत यानी कि आधा ट हो जाएगा, फिर पूरा ट और बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, ठीक है? तो ये होगा शुद्ध शब्द। अब इसके बाद में लास्ट है अपना गांव, इसमें भी क्या है? ऊपर चंद्र बिंदु आ जाएगा, तो ये हो जाएगा शुद्ध शब्द। देखो ये है हमारे शुद्ध शब्द, पहला है इकट्ठा, हंस, परी, तख्तियां, मिट्टी और गांव, ठीक है? अब इसके बाद में एक एक्सरसाइज और बचती है हमारी, कि ठीक शब्द पर सही का निशान लगाओ। तो इसमें क्या है? ठीक शब्द यानी जो शब्द सही है उस पर निशान लगाना है, उस पे टिक करना है, और जो गलत है उस पे क्रॉस करना है, ठीक है? तो देखो इसमें फर्स्ट शब्द दिया है कीचड़, तो कीचड़ में गलत लिखा हुआ, तो इसको हमें क्या करना है? क्रॉस, कीचड़ को क्रॉस कर दो सब बच्चे। फिर नेक्स्ट है चौपाल, चौपाल सही लिखा हुआ है तो इसको आप कर दो, सही का निशान लगा दो चौपाल पे, कर दिया। नेक्स्ट है सफाई, इस पे भी आप क्रॉस कर दो क्योंकि इसमें जो ई लिखी हुई है वो बड़ी ई आनी चाहिए और इसमें छोटी ई लिखी हुई है तो ये गलत है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दो। फिर नेक्स्ट शब्द दिया है आपके गंदगी, तो गंदगी भी सही है, इस पे भी आप टिक का निशान लगाओ। फिर खेल लिखा हुआ है, ये भी गलत है। रास्तों, ये भी गलत है, इसको भी आप क्रॉस करो। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है बादल, बादल सही शब्द लिखा हुआ है। फिर है हंस, हंस भी सही है, तो इन दोनों पे हम टिक लगाएंगे, ठीक है? और फिर लास्ट दिया हुआ है मिट्टी, ये गलत लिखा हुआ है तो इसको आप क्रॉस करेंगे, ठीक है?
हो गया? यस मैम। सबने कर लिया? यस। हो गया सबका? ओके मैम। अब नेक्स्ट। ओके शौर्य, अब हमारे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, कर ले। आज करें कि नेक्स्ट वीक में करें बेटा? अभी कर ले, अभी कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नो मैम। निशा के हाथ दुख रहे हैं मैम। बेटा इतना तो मैंने लिखवाया ही नहीं है, अभी तो एक एक दो दो शब्द ही तो लिखे हैं आप लोगों ने, इसमें ही आप लोगों के हाथ दुखने लग गए। हाँ चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीक में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, लेकिन आपको इससे पहले क्या करना है, इस ये जो फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 दिया हुआ है वो आपको कंप्लीट करना है। ओके मैम। कंप्लीट करके इसका फोटो मेरे को सेंड करेंगे आप सब लोग, ठीक है बेटा? ओके मैम। और इसके साथ ही सब बच्चे मंडे को अपनी अपनी नोटबुक मुझे स्कूल में सबमिट करेंगे सारे सब्जेक्ट की। तुम मुझी की पूरे दिन काम में लागो पड़ा, ठीक है बेटा? आ गया समझ में सबको? और इस चैप्टर में कोई चीज नहीं समझ में आई है तो वो भी बता देना, ठीक है? यस बेटा। यस मैम, द सोइंग वाज क्या? मैच। हाँ मैचिंग वाला जो है उसमें क्या करना है, क्या नहीं समझ में आया उसमें? बोलो तनिषा। मैं थर्ड नंबर वाला। हाँ तो थर्ड वन नंबर वाले को आपको मिलाना है फर्स्ट नंबर से, खेलना चाहते थे। कर ली थे पूछते, ठीक है? ओके मैम। और कोई कहीं कहीं और कोई परेशानी हो तो बताओ। नो मैम। ओके बेटा, ठीक है? सब लोग अपना अपना होमवर्क कंप्लीट करके मंडे को मुझे कॉपी दे देना, और सब अपने अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो सारे बच्चे, और अपने अपने मम्मी पापा का कहना मानो, ठीक है? ओके मैम। और काम समय से पूरा करके स्कूल में अपनी कॉपी सबमिट कर दो, ठीक है? ओके बेटा, हैव अ गुड डे। बाय बाय बेटा।